हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए मैं आज स्पेशल एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि राजनीति सिद्धांत या फिर आप कह लीजिए नागरिक शास्त्र के बारे में आज जानेंगे कि राजनीति सिद्धांत विकास व उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ये लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है जीआईएससी प्रवक्ता के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आप कह लीजिए यूजीसी नेट के लिए, या फिर आप कह लीजिए आपका ये लेक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपका एग्जामिनेशन होने वाले उसमें आपको इम्पोर्टेंट होगा। आप किसी भी प्रकार का आप एमए पॉलिटिकल साइंस से जो आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर राजनीति सिद्धांत का जो टॉपिक्स है उसको यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप विकास एवं उत्पत्ति के बारे में जरूर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर 8 और मैं यहां पर आपका स्वागत करता हूं। मैं तेजेंद्र सिंह, यहां पर आपका अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल अपनी टीचिंग टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं राजनीति सिद्धांत का विकास व उत्पत्ति। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राजनीति सिद्धांत पश्चिम में विभिन्न चरणों से गुजर चुका, मतलब यहाँ पर जो पश्चिमी जगत है, पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से गुजरा। तो एक समय था जब प्राचीन यूनान व मध्यकाल के दौरान राजनीति सिद्धांत राज्य के नैतिक लक्ष्यों को पहचानने की चिंता खुद करता था, मतलब राज्य के क्या होने चाहिए कार्य, उसके नैतिक कार्य क्या है, उसकी मॉरल गोल क्या है, उनके बारे में वर्क करता था, उनके बारे में हमें सतर्क संगत करता था। लेकिन उन उद्देश्य को जो कि राज्य प्राप्त करने हेतु दिलो दिमाग में रखता था, मतलब राज्य के जो उद्देश्य होते थे, जो गोल होते थे, उनके बारे में कार्य करता था। प्लेटो व अरस्तु तो दोनों ही न्यायशीलता स्थापित करने अथवा व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करने हेतु राज्य के प्रकारों पर जोर देते थे। यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेटो और अरस्तु ने जो हमारे जो सामाजिक व्यक्ति थे, जो व्यक्ति लोग थे, उनके लिए एक न्याय संगत जीवन जीने के लिए किया, उनको सबको इक्वलिटी, सबके लिए बराबरी की समानता का अधिकार दिया जाए, राज्य के प्रकारों पर जोर देते थे। मध्यकालीन राजनीति सिद्धांत सम्मिलित हुआ क्योंकि वह धर्म के साथ साथ था। ईश्वर के पास स्थान पाने हेतु तो व्यक्ति को तैयार करने व प्रशिक्षित करने के लिए राज्य से मांग करता था, मतलब यहाँ पर ये धर्म के साथ साथ जुड़ता चला गया, धर्म के साथ साथ आगे बढ़ता चला गया। तो बात आगे करते थोड़ा सा यहाँ पर, आरंभिक आधुनिक युगीन राजनीति सिद्धांत ने जो अब इस समय मॉडर्न युगीन जो है, मॉडर्न काल का जो हमारा राजनीति सिद्धांत है, ने राज्य उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना पर विचार विमर्श का प्रयास किया। इसका अनुसरण उन दार्शनिकों द्वारा किया गया जिनके लिए राज्य का संगठन एवं प्रकार ही राज्य के मुख्य गंभीर चिंतनीय विषय थे। 20वीं सदी मध्य का राजनीति सिद्धांत आमतौर पर सत्ता की संकल्पना को राज्य का मूल विषय बनाते हैं, मतलब यहाँ पर जो सत्ता है, सत्ता उसके बारे में यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट मेन सब्जेक्ट बनता है। राज्य की संस्थाओं से वास्ता रखता है, मतलब जो राज्य की संस्था है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के, उनसे रिलेटेड है ना। तो राजनीति सिद्धांत के विकास से मूल्यांकन को विस्तार पूर्वक तीन मुख्य धाराओं से प्रतिपादित किया जा सकता है। पहला व्यापक राजनीति सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीति सिद्धांत, तीसरा समकालीन राजनीति सिद्धांत। तो हम यहाँ पर तीन धाराओं में, तीन अलग अलग में इसका देखेंगे, व्यापक राजनीति सिद्धांत में, आधुनिक राजनीति सिद्धांत में, समकालीन राजनीति सिद्धांत में। तो यहाँ पर इन सिद्धांतों को हम लोग इसका विस्तार पूर्वक जानेंगे। और यदि बात करें व्यापक, आधुनिक व समकालीन में राजनीति सिद्धांत का वर्गीकरण वास्तव में प्रासंगिक है, व्यापक अथवा पारंपरिक को आधुनिक से अलग करता है, परवर्ती में विज्ञान का तत्व और पूर्ववर्ती में इसका भाव ही है। राजनीति सिद्धांत की व्यापक परंपरा में दर्शन शास्त्र प्रमुख है, जबकि आधुनिकता पर विज्ञान में उसकी कार्यप्रणाली हावी रहते हैं, मतलब यदि राजनीति सिद्धांत की बात करें व्यापक परंपरा में, जो व्यापक की बात करते हैं व्यापक राजनीतिक सिद्धांत में, वहां पर किसका प्रमुखता है, वहां पर दर्शन शास्त्र की प्रमुखता पाई जाती है। दूसरा यहाँ पर जो आधुनिकता की बात करें तो वहां पर विज्ञान की प्रमुखता पाई जाती है और उसकी कार्यप्रणाली की पाई जाती है। तो याद रखना आपको ये कुछ चीजें हैं जो पॉइंट है, आपको यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू देंगे। आगे बात करते हैं एक अपवाद के रूप में, पश्चिमी पश्चिम की प्राचीन व मध्यकालीन अवधियों में कोई अरस्तु अथवा थॉमस हो सकता था है, जिसने कि जनजीवन के नियमों को खोजते विज्ञान तत्व पर जोर दिया होगा, और हमारे जमाने में एक स्ट्रॉस हो सकता है जिसने राजनीति के अध्ययन में दर्शन की उपयोगिता को देखा होगा, मतलब राजनीति की जो राजनीति अध्ययन में दर्शन की उपयोगिता की वैल्यू दी है किसने की, स्ट्रॉस ने। तो हम लोग पहले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दर्शन की उपयोगिता के बारे में बात की, स्ट्रॉस बताते हैं। इसी प्रकार आधुनिक राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीति सिद्धांत कुछ भिन्न है, कम से कम अपने तत्व में आधुनिक राजनीति सिद्धांत
अनुभाविक और देववैज्ञानिक है, मतलब जो आधुनिक राजनीति सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, जो आधुनिक राजनीति सिद्धांत है वो यहाँ पर अनुभव पे, प्रयोग पर, वैज्ञानिकता पर बल देता है, जबकि समकालीन राजनीति सिद्धांत मीमांसात्मक एवं ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें याद रखना है आपको, आधुनिक किस बात को करता है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत अनुभव को और वैज्ञानिकता को बल देता है, जबकि जो समकालीन सिद्धांत है, राजनीति सिद्धांत है, मीमांसात्मक और ऐतिहासिकता पर बल देता है। समकालीन राजनीति सिद्धांत व्यापक एवं आधुनिक राजनीति सिद्धांत दोनों के सत्व को संश्लेषण करने का प्रयास करता है, मतलब दोनों का आपस में क्या कर लेता है, समाहित कर लेते। जो समकालीन राजनीति सिद्धांत है वो यहाँ पर व्यापक को भी, व्यापक और जो आधुनिक है दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर क्या है, वो समकालीन है। समकालीन मतलब जो इस समय देखा जा रहा है, जिसे हम लोग मानते हैं, वो समकालीन यहाँ पर राजनीति सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिटेल में देखते हैं, यहाँ पर व्यापक राजनीति सिद्धांत किस बारे में बात करते हैं। व्यापक राजनीति सिद्धांत प्राचीन यूनानी सभ्यता में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु लेखों में उभरा और 19वीं सदी के आरंभ तक जारी रहा। मतलब यहाँ पर 19वीं जो सदी थी हमारी, 19th century तक ये रहा, और स्टार्टिंग में यहाँ पर कहाँ से जन्मा, ये प्राचीन यूनानी सभ्यता से जन्मा। और कब से बात करते हैं, यहाँ पर सुकरात इसके बारे में वर्क करते हैं या एडवोकेट करते हैं, अरस्तु इसके बारे में वर्क करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर इसके राजनीति सिद्धांत से जुड़े व्यापक प्रतिमान में सेल्डन वॉलिन के अनुसार कुछ बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि व्यापक राजनीति सिद्धांत प्रजा से संबंधित विषयों पर विश्वसनीय जानकारी, विश्वास हेतु एक बुद्धिसंगत आधार स्थापित करने के लिए एक मीमांसात्मक अनुसरण, कार्रवाई हेतु एक बुद्धिसंगत आधार स्थापित करने के लिए राजनीति के रूप में प्रेरित अनुसरण का पर अभिलक्षित है। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, व्यापक राजनीति सिद्धांत प्रजा से संबंधित विषयों, जो प्रजा से संबंधित है, किसे प्रजा से संबंधित विषय है, जो भी हमारी जो क्या कहते हैं, सिटीजन से जो जुड़ा हुआ है, या फिर जो हमारे पीपल से जुड़ा हुआ है, जो राज्य की जो प्रजा है उससे जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं, उनसे विश्वसनीय जानकारी, विश्वास हेतु बुद्धिसंगत आधार स्थापित करने के लिए यहाँ पर सारी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। दूसरा, यहाँ पर उसने राजनीति को जनता जनसाधारण के साथ पहचानने का प्रयास किया। ग्रीक पॉलिस, रोमन रेस, पब्लिक और कॉमन विल का मध्ययुगीन प्रयोग सभी उसकी भागीदारी का संकेत करते थे, जो साझेदारी के रूप में लोगों के बीच सर्वमान्य था। मतलब यहाँ पर कौन व्यक्ति हुए इसके एडवोकेट करने वाले, तो ग्रीक पॉलिस, रोमन रेस, पब्लिका, ठीक है, और कॉमन विल, ये मध्ययुगीन के रूप में इन्होंने इसको एडवोकेट किया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर इसकी मूल विश्लेषण इकाई हमेशा राजनीति समष्टि निकाय नीतिक रही है। कार्यकलाप संबंध एवं विश्वास का संकेत करने के अंतर संबंध पर आधार है। कार्यकलाप व्यवस्था युद्ध, शिक्षा, धार्मिक प्रथाओं से जोड़कर संबंधों में उन्हें शामिल करते हुए जो सामाजिक वर्गों के बीच, शासकों व शक्तियों के बीच, उत्कृष्ट व निष्कर्ष के बीच थे, विश्वास जैसे कि न्यायशीलता, समानता, प्राकृतिक नियम आदि से जुड़ा है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका क्या है, राजनीति समष्टि निकाय नीतिक रही है, कार्यकलाप रही है, संबंध विश्वास का संकेत करने अंतर संबंध से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर जितने भी युद्ध, शिक्षा, धार्मिक प्रथाओं से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, संबंधों में शामिल करते हुए सामाजिक वर्गों के बीच इसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप इसे देख रहे हो, जब हम लोग व्यापक राजनीतिक सिद्धांत में देखते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग देखने को पाते हैं। और आगे लास्ट में देखते हैं, अपने आप को राजनीति समष्टि से जोड़कर, समष्टि मतलब ठीक है जो हमारी समष्टि है उसे जोड़कर देखते हैं। व्यापक राजनीति सिद्धांत व्यवस्था, संतुलन, साम्य एवं सामंजस्य पर जोर दिया है। यही कारण है इसे इस प्रक्रिया में संघर्षों, अराजकता, अस्थिरता व क्रांति जैसे शर्तों से जूझना पड़ा। मतलब जब व्यापक दृष्टिकोण में देखते हैं यहाँ पर जो व्यापक सामाजिक, जब हम लोग प्राचीनतम की बात करते हैं, जो प्राचीन समय था, प्राचीन टाइम पीरियड की बात है, वो यहाँ पर व्यापक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। और व्यापक राजनीतिक सिद्धांत का मतलब 1900 सदी से पहले की बात कितनी भी है, और यहाँ पर इतने सारे कह सकते हो क्रांतियां हुई है, जैसे रूसी क्रांति हुई है, फ्रांसीसी क्रांति हुई है, यहाँ पर अमेरिकन क्रांति हुई है, इंग्लैंड क्रांति हुई है, इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ सारी घटनाएं घटी है, वो कहाँ घटी है, वो सारी इसी में घटी है, व्यापक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत घटी है। तो ये सारे संघर्ष, जितने भी लड़ाइयां हुई है, सब इसी के अंतर्गत हम लोगों को देखने को पाते हैं। व्यापक राजनीति सिद्धांत ने राजनीतिक दृश्य घटना की एक अधिक विस्तृत व्याख्या और विकल्पों की बेहतर श्रेणी प्रदान करने हेतु तुलनात्मक अध्ययनों पर दबाव दिया है।
यही कारण था कि व्यापक राजनीति सिद्धांत में राजनीतिक स्वरूप का एक वर्गीकरण उदाहरण था जैसे राजतंत्र, अभिजात तंत्र, लोकतंत्र, उनके रूपांतरण तथा कानून, नागरिकता, न्यायशीलता, भागीदारी जैसी संकल्पनाओं का एक वर्ग विकसित किया ताकि उनके बीच भेद व समानता की व्याख्या की जा सके। मतलब हम लोग यहाँ पर व्यापक राजनीति सिद्धांत की यदि बात करते हैं, व्यापक राजनीति सिद्धांत में सारी दृश्य घटनाएं, सारी घटनाएं हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो राजनीति में घटी थी, जिसमें कि आप जब पढ़ते हैं हम लोग तुलना करके इसे तुलनात्मक रूप से अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ पर सारी घटनाएं घटी जो जिसमें कि राजतंत्र भी आया, यहाँ पर अभिजात तंत्र भी आया, लोकतंत्र भी आया, डेमोक्रेसी भी आई यहाँ पर, और इसमें यहीं पर कानून, नागरिकता, न्यायशीलता, भागीदारीता सब कुछ देखने को यहीं पे मिलती है। तो यही सारी कहाँ पर मिलती है हमें, इसी में समानता है क्या थी, किस तरीके से असमानताएं थी, तो सबको अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, व्यापक राजनीति सिद्धांत 19वीं सदी से पूर्व की अवस्था में। व्यापक राजनीति सिद्धांत आमतौर पर मनोगत दृश्य में नीति विज्ञान रहा था, इसकी प्रतिक्रिया एक नैतिक दृष्टिकोण में प्रकट हुई थी। प्लेटो ने आदर्श राज्य की, अरस्तु ने एक राज्य की और जो यथासंभव सर्वोत्तम स्थापित कर सके। संत ऑगस्टीन यानी कि अगस्त जो हमारे थे यहाँ पर ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय नगर की वकालत की। तो यहाँ पर क्या कहते, प्लेटो ने आदर्श राज्य की, इसे याद रखिएगा, प्लेटो ने राज्य को क्या माना, एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की है, जबकि अरस्तु इसे क्या कहता है, यथासंभव सर्वोत्तम साधित कर सके, मतलब जो सर्वोत्तम यहाँ पर नागरिकों के लिए, जनता के लिए भलाई का कार्य कर सके। और अगस्तियन इसे क्या कहते हैं, ईश्वरीय नगर की वकालत करते हैं। यहाँ पर अगस्त क्या कहते हैं, ये अगस्त यहाँ पर ईश्वरीय नगर है जहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं, ईश्वर की जनता निवास करती है। व्यापक राजनीति सिद्धांत ने विभिन्न संवैधानिक रूपों के मूल निरूपण का काम हाथ में लिया, जिसे परिस्थिति के एक वर्ग विशेष हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निश्चित कर सके, और यदि कोई हो यथासंभव सर्वथा सर्वोत्तम रूप से तैयार कर सके। मतलब यहाँ पर हर चीज को जनता के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, यहाँ पर नागरिकों के लिए या और यहाँ पे जो प्रजा है उसके लिए जो सर्वोत्तम कार्य कर सके वो राजनीति है। व्यापक राजनीति सिद्धांत ने आदर्श रूप में राजतंत्र के सर्वोत्तम रूप को उभारते हुए व्यापक सैद्धांतिकरण की निर्भीकता अमूल परिवर्तनवाद को उजागर किया। हालांकि कुछ लोग ने इस प्रकार के प्रयासों को मात्र कल्पना, लौकिक और अवास्तविक करा देकर खारिज कर दिया। मतलब इस सिद्धांत को कुछ लोगों ने क्या किया से कि कल्पना है, ये क्या है, अब कपोल का कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है, इसको हम लोग नहीं मानते, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया। तो इस बात को उन्होंने नहीं माना, क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांतों की ज्यादा बात की गई है, अमूल परिवर्तन की बात, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप बने रहेंगे हमारे साथ। इसी प्रकार से यदि आपको यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख के बता सकते हैं हमें। यदि आपको पर्सनली पढ़ना है तो आप हमें यहाँ पर वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग पर्सनली भी यहाँ पर पढ़ा है, जो कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन के द्वारा पढ़ाते हैं, अध्ययन अड्डा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आपको हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें आप कमेंट्स करेंगे तब बताएंगे तो हमें पता चलेगा, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा। तो यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव इट।